दोस्त फुल जो है गर्मी का मौसम आ गया है और अब जो है हर किसी के घर में हर सबके मुंह पे होगा कहाँ पर एसी है, कहाँ पर फैन है, कहाँ पर कूलर है। दोस्तों मैं आज आपको यहाँ करके दिखाऊंगा, अगर आपका मोटर जो है कूलर का मोटर जो है ख़राब हो गया है तो उसे आप अपने घर में ठीक कर सकते हो और खुद से ठीक कर सकते हो। इसके लिए मैकेनिक के पास लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैकेनिक के पास लेके जाओगे, 1,000 रुपये 2,000 रुपये आप भरोगे फिर से या फिर नए मोटर खरीदोगे, क्या क्या बोलेगा वो। पर ये जो ट्रिक है मैं आपको दिखाऊंगा खोल के। और मेरे पास तो दोस्तों कोई सोल्डिंग मशीन भी नहीं है और बिना सोल्डिंग मशीन के मैं मोटर ठीक कर दूंगा। अपने घर में हुए जो बेकार के जो कूलर के मोटर पड़े हुए हैं उसको जो है मैं खोल के अभी आपके सामने बना के दिखाऊंगा और उस ट्रिक को अपना के जो है आप खुद से अपने घर का जो है कूलर का मोटर रिपेयर कर सकते हो। तो बिना समय गवाते हुए दोस्तों मैं हूँ मिथुन और आप देख रहे हैं टेक्निकल मिथ 83। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं फ्रेंड्स। और एक बात बता दूँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप देख सको और हमारे फैमिली में आप एक मेंबर बन जाओ। दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट जंप टू द वीडियो। तो दोस्तों मैंने जो है मोटर जो है खोल लिया है, तो मोटर को जो है अभी हमें खोलना पड़ेगा। इसके लिए अब जो है हम इसका टेस्ट करेंगे। वायर है, ये फेस है और ये तीनों जो है स्पीड को मेंटेन करता है, हाई स्पीड, मीडियम और लो स्पीड। तो फेस को जो है आपको मार्किंग करके रखना पड़ेगा। और एक बात, आपका अगर मोटर नहीं घूम रहा है, अगर आप फ़ैन और कूलर अगर नहीं चल रहा है तो आपको जो है एक कैपेसिटर एक बार चेक कर लेना है। कैपेसिटर चेक करने के बाद ही आप मोटर को खोलें। अगर कैपेसिटर ठीक नहीं है, चेंज करके आप देखें, अगर ठीक नहीं है तो इसको मैंने चेंज करके देखा हुआ है ये सही है। तो उसके बाद जो है हम इस मोटर को खोलेंगे। देखिए दोस्तों इसमें जो है करंट है, अभी फुल करंट है। इसमें जो है ये मोटर का अंदर क्या हुआ है पता नहीं, हम तो शायद मुझे लगता है कि थोड़ा बाइंडिंग का प्रॉब्लम है। तो मैं इसको जो है घरेलू उपाय में आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे करना मतलब किया जाता है। मेरे पास तो एक सोल्डिंग मशीन भी नहीं है फिर भी मैं इसको करूंगा, आप देखोगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे होता है। इसके लिए हमें इस मोटर को पहले खोलना पड़ेगा। और आप एक बात ध्यान में रखें कि ये फेस वायर जो है इसको जो है आप मतलब चिन्हित करके रखें, रिमार्क करके रखें। पूरा घरेलू उपाय में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप घर में जो है अपने मोटर को, अपने कूलर या फैन का मोटर को जो है सही कर सकते हो। मतलब कई बार क्या होता है कि आपके मोटर बहुत दिन ऐसे मतलब एक साल रखने के बाद जो है आप क्या करते हो, गर्मी के दिन जो है आप चलाने के बाद जो है ठंड की मौसम आती है, बारिश की मौसम आती है, तब जो है आप इसको बंद करके घर में रख देते हो और जो है नेक्स्ट ईयर में वो जो है नहीं चलता है। ये वायर जो है ये वायर का प्रॉब्लम है, तो इस वायर को जो है काट के देखना पड़ेगा। देखिए ये छोटा छोटा वाला कनेक्शन है, देखिए दोस्तों इसको जो है आपको साफ कर देने हैं। ये रहा आपका फेस और ये तीनों का स्पीड जो है वो जो है मैंने रस्सी से बांधा हुआ था। तो इस प्रकार से मुझे खोल के इसको फिर से जो है बांधना पड़ेगा। ये जो है यहाँ पे दो वायर लगेंगे और पहले आपको ये कलर जो है इससे अलग करना पड़ेगा, उसके बाद जो है लगाना पड़ेगा। इसी से काम, धागा से काम चला लूँगा। देखिए इस तरह से जो है मैं इसको अब जो है इसको मैं रस्सी से धागा से यहाँ पे बांध दूँगा।
तो इस तरह से तीनों को ही यहाँ पे दो वायर्स लगेंगे और एक फेस वायर यहाँ पे एक लगेंगे। इसको जो है फिर से मुझे करना पड़ेगा क्योंकि ये पुराना हो गया, तो यहाँ पे जो है ख़राबी हो सकती है जिसके वजह से जो है मेरा कनेक्शन नहीं पास हो रहा होगा और मेरा मोटर जो है नहीं चल रहा होगा। तो इस तरह से जो है इसको भी खोल के फिर से मुझे करना पड़ेगा और इसको भी खोल के यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो है दो वायर्स हैं, टू वायर्स इसलिए है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्पीड ये मतलब इस पे लगाते हैं, जब रेगुलेटर इस पर आता है, इस वायर पे आता है तो सबसे ज़्यादा स्पीड होता है आपका कूलर, और ये दो जो है स्लो और मीडियम का काम करता है और ये जो है उसका फेस वायर है। तो इसको जो है फिर से मैं यहाँ पे बांध लेता हूँ, मतलब धागा फिर से खोल के इसको जॉइंट कर लेता हूँ। अगर आपके पास सोल्डरिंग मशीन होगी तो कोई बात नहीं, आप कर देना। दोस्तों यहाँ पे लगाने के बाद ये जो मोटर है ये तो जो है कॉपर बाइंडिंग नहीं है, इसीलिए जो है ये क्या होता है ना, यहाँ पे जो जॉइंट होता है वो जॉइंट में जो है जंग लग जाता है और आपका मोटर जो है एक साल के बाद रहने के बाद जो है वो और काम नहीं करता है। तो इसको जो है आप अपने खुद से अपने घर में कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, इस तरह से आपको बांध लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे वीडियो में स्किप करके इन दोनों को जो है फिर से बांध लेता हूँ इसी तरह से ही। तो चलिए कवर कर लेंगे, तीनों को मैं बांध चुका हूँ, टेप से थोड़ा इसको कवर कर देंगे हम। अगर आपका मोटर नहीं जला है तो आप इस तरह से कर सकते हो, उसको ठीक कर सकते हो अपने घर में। तो पूरा जो है लगाने के बाद इस तरह से हमें रस्सी से अच्छी तरह से इसको बांध लेने हैं ताकि जो मोटर जब मतलब घूमे तो कुछ प्रॉब्लम्स ना आए। और ये दो वायर जो है आपका कैपेसिटर यहाँ पे लगेगा। दोस्तों कई बार क्या होता है कैपेसिटर भी डाउन होता है, तो कैपेसिटर को जो है चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैंने अलग एक छोटा सा वीडियो बनाया हुआ है, आई कार्ड पे आप देख सकते हो, उसको जाके देखिए, यहाँ पे जो है आपका कैपेसिटर लगेगा। तो सब कुछ हो गया दोस्तों, अब जो है हमें लगाना पड़ेगा उसको, इसका जो है बैक लगा देंगे हम। ठीक से खींच ले वायर को ताकि अंदर रह ना जाए और मोटर घूमते वक्त दिक्कत ना हो। दोस्तों मैंने लगा लिया है, पूरा लगा लिया है, वायर भी लगा दिया है। देखिए यहाँ पे ये तीनों जो है स्पीड का काम करेंगे, एक हाई स्पीड, मीडियम और लो, और ये जो है इसका फेस वायर है। तो अभी जो है हम चेक करके देखेंगे, पहले तो हम इसका फेस वायर जो है वो लगाएंगे, एक में लगा के ही रख देंगे और उसके बाद जो है इसका स्पीड चेक करेंगे, मतलब सही हुआ कि नहीं, तीनों में चल रहा है कि नहीं वो चेक करेंगे। देखिए दोस्तों ये निकाल दिया, फिर लगा लिया, देखिए घूम रहा है। मोटर जो है सही हो गया है हमारा। तो देखा दोस्तों जुगाड़ लगाने में इंडिया माहिर है। तो यहाँ पे मैंने जो है जुगाड़ लगाया है धागा से, उसको बांध दिया एंड वर्क इज़ डन। तो काम तो हो रहा है ना, चल रहा है। और मैं आपको ये मतलब ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि एक साल में वो कुछ नहीं होगा, और ये दोस्तों पक्का गारंटी है क्योंकि मैं बहुत बार ऐसा कर चुका हूँ, मैं इसको बहुत बार कर चुका हूँ दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा, और ये काम आप अपने घर में पड़े हुए बेकार मोटर के साथ करोगे। दोस्तों हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इतना शेयर कीजिए कि ताकि आपके दोस्त जो हैं उन सब के घर में जो बेकार मोटर्स वगैरह पड़े हुए हैं वो इसे देख के ठीक करें दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।